हमारी सूरत की रहने वाली गहना बहू और उनके पति देव अनंत देसाई आज बिहार के लिट्टी चोखा का आनंद पाने वाले हैं। कैसे? वो ऐसे कि शूटिंग के बाद का जो टाइम है ना, वो उन्होंने बिताया सास बहू और साजिश के साथ और पहुंच गए लिट्टी चोखा खाने के लिए। फिर क्या हुआ ये आपको कहानी देखने के बाद पता चलेगा। मौसम जब सर्द होता है तो खाने और घूमने का मन भी करता है। अनंत की साथिया यानी कि गहना सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी इनकी बॉन्डिंग खूब नजर आती है। शूट खत्म करने के बाद देखो कैसे दो दीवाने शहर में आबोदाना ढूंढने निकल पड़े हैं। तो हमेशा जो है गहना घर में खाना बनाती है, तो इसलिए आज हमने सोचा कि हम घर पे नहीं खाएंगे, आज हम लिट्टी चोखा खाएंगे बाहर जाके। यस, ठंड का मौसम है, आफ्टर शूट हमने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ खाई जाए जो ठंड के लिए अच्छी होती है, तो वो है लिट्टी चोखा। और हमने सुना यहाँ पे बहुत ही डिलीशियस लिट्टी चोखा मिलता है, तो हमने सोचा कि बार बार तो यहाँ आना नहीं होगा, सो लेट्स ईट एंड हैव सम फन। हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। तो लिट्टी चोखा वो एक ये डिश बिहार का डिश होता है, एज आई एम नॉट फ्रॉम बिहार और मुझे वहाँ का पता नहीं है और मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है, बट ये सिमिलर चीज़ मुझे पता है। मेरी मॉम भाटी बनाते हैं घर में, तो इट्स मोर ऑफ लाइक दिस, वो भी ऐसी होती है राउंड राउंड, बट आई डोंट नो अबाउट द टेस्ट और उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, उसमें क्या क्या जाता है, बट तरीका मोस्ट ऑफ सिमिलर है, तो इसको सीखा जाता है और नाउ आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं भी थोड़ा बहुत सीखूँ ताकि मैं आनंद जी को खिला सकूँ। तो अभी जो है हम सीख रहे हैं कि एक्चुअली बाटी बनानी कैसे है, लिट्टी कैसे बनानी है। तो सरिता जी हमें सिखाएंगी। तो ये है आटा जिसके अंदर अब हम सत्तू भर रहे हैं। सुना तो था पर मुझे पता नहीं था कि कैसे बनाते हैं इसको, और वो आटे के अंदर कुछ क्या सत्तू मिलाना होता है और उसको ऐसे रोल करना होता है, सीखना होता है, ये प्रोसेस नहीं पता था पर आज मैंने सीख लिया है। मैं तो देखिए मैं अनंत हूँ, मेरा अंत ही नहीं है, तो मैं कुछ भी चीज़ जल्दी से सीख सकता हूँ, जैसे कि मैंने आज सीख लिया, सरिता जी ने मुझे सिखाया। सो बट ऑफकोर्स जिस दिन लंबी छुट्टी होगी तभी ये काम हो सकता है। आज शूट के बाद थोड़ी मस्ती चढ़ी है तो हम स्ट्रीट पे निकले हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो अभी मैं बना रही हूँ पानी पूरी। ये कुछ डिफरेंट ही पानी पूरी है, क्या है? आइटम बॉम्ब पानी पूरी, और मैं ये पानी पूरी बना के खिलाऊंगी हर्ष और राहुल को, लेट्स सी कैसी बनती है। राहुल खट्टा पसंद है या नहीं? देखिए यहाँ भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। ओह माय गॉड, मतलब यहाँ से कितना भी खट्टा हो लेकिन लगना मीठा ही है। ओह वाह वाह वाह। सब हाथ फैला रहे हैं गहना के सामने। देखता हूँ कितना अच्छा। अब मैं भी एक ले लेती हूँ। Thank you.
हम जिस जगह पे बैठे हैं ये बहुत ही इंडियन है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये इनका क्रिएशन है. राइटली सेड बाई यू, बट काफ़ी यू नो माई फैमिली इज ऑल्सो इन्वॉल्व विद दिस क्रिएशन. ये रेस्टोरेंट का नाम है या टेक अवे कह सकती है लिट्टी कैफे. बट हम दोनों ने टेस्ट किया लिट्टी चौका और हम दोनों को ही बहुत यम्मी लगा. जैसे आई सेड कि मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया था, बट थैंक गॉड कि मैंने यहाँ ट्राई किया है क्योंकि मुझे ओरिजिनल टेस्ट क्या है उसका समझ में आया है अभी पहली बार. व्हाट अबाउट यू? मैं तो बस खाना ही खा रहा था, आप देख सकते हैं मैं तो प्लेट साफ कर दी है, तो इट इज़ रियली डिलीशियस. और मुझे लग रहा है इनको ना ये रेड चटनी बहुत अमेजिंग लगी है क्योंकि उन्होंने वो भी खाया और मेरी प्लेट की आधी चटनी खा गया. क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए मतलब ग्रीन्स मतलब यू नो मैं रोज़ खाता हूँ, ग्रीन्स ही मेरा न्यूट्रिशन है. तो एक्चुअली सीजनल एब्सोल्यूट सरसों का साग खाना मतलब यू नो इट्स द बेस्ट हीमोग्लोबिन अगर किसी को बढ़ाना हो. और यू नो दिस इज़ ऑल्सो टू टीच के यू हैव टू ईट योर ग्रीन्स. सो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ग्रीन्स कैन ऑल्सो बी दिस टेस्टी. ये हमारा स्वीट सरप्राइज़ है जो रेस्टोरेंट में हमारे फैंस थे उन्होंने हमें ये बना के दिया है. हर्षन स्नेहा हमारे नाम, बट इट्स वेरी स्वीट एंड इट्स वेरी इंडियरिंग. इट जेन्युइनली इट मेक्स अस हैप्पी एंड स्माइल. यस एक्चुअली ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें और ज़्यादा यू नो एक मोटिवेशन देती दैट वी हैव टू डू गुड एंड वी हैव टू एंटरटेन एवरीवन. और ये सारी दिस लव इसी के लिए तो हम कर रहे हैं. तरह तरह की पकवान खाने के बाद गहना और अनंत लिटिल कैफे के साथ साथ फैंस का भी शुक्रिया अदा करना नहीं भूले और करे भी क्यों ना, आखिर यही चाहने वालों ने तो इन्हें सराखों पर बिठा रखा है. मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.